धुरियापार चीनी मिल के सामान्य निकाय की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में चीनी मिल समिति के सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों द्वारा धुरियापार चीनी मिल में सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु बंद मिल की 50 एकड़ भूमि को लीज पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भिजवाने हेतु सहमति प्रदान की है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी चीनी मिल की जमीन पर एथेनॉल के प्रस्ताव के बारे में सभी को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डीएम ने बताया कि एथेनॉल प्लांट लगने से किसानों को लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही धुरियापार चीनी मिल के संचालन की भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड हरपुर गजपुर के उपसभापति विजय कुमार शाही द्वारा चीनी मिल की 50 एकड़ भूमि को लीज पर दिए जाने के संबंध में सभी सदस्यों को प्रस्ताव के बारे में बताया गया। बैठक में धुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड हरपुर गजपुर के विभिन्न पदाधिकारी मौजूद रहे। अच्छा चली रहा, अभी समय में हम लोग बाढ़ से भी ग्रस्त है और जो यहाँ गन्ने के जो फसल तो ना के बराबर हो गया है जनपद गोरखपुर जी, अब वो भी तो यहाँ से किसी के भी गन्ने के फसल वो लेके जाना पड़ता है इनका कुशीनगर नहीं तो महाराजगंज और किसी जनपद ये बल्लापुर में डीएम रहा हूँ देखा वो भी डूब क्षेत्र है बिल्कुल। तीन चीनी मिल है और मतलब किसान से कहीं भी समस्या नहीं होता है, बाढ़ हो तो कुछ हो जाता है ताकि तो बाढ़ के समय में गन्ना और मजबूत हो जाता है अच्छा से हो जाता है। ये जो हम दुनिया का चीनी मिल है करीब 95 एकड़ का है लगभग 98 एकड़ का है। इसके प्रस्ताव से तब इंडस्ट्रियल समिट में जो फरवरी के जो महीने में तमाम देश विदेश की कंपनी आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी इन्वेस्टर समिट को उस समय में बुलाए थे, उस समय में प्रस्ताव मांगा जा रहा था कितने कितने जगह निवेश के लायक, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2-3 प्रस्ताव भेजे थे। उस पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इस समय में जो IOC है जो केंद्र सरकार का स्थापना है बड़ा स्थापना है जी नवरत्न कंपनी कहते हैं उसको सिर्फ भारत सरकार की कंपनी है, उनने उस पर रुचि दिखाया। CM साहब भी तो काफ़ी कन्विंस किए उनको ताकि देखिए जो किसान का होता क्या है जो मान लीजिए 2-3 साल तक वो जो फसल होता है जो आपका गन्ना का है, गन्ना का तो ठीक है गन्ना की क्वालिटी के हिसाब से होता है पर सबसे बड़ा समस्या है गन्ना काटने के बाद वो जो जड़ रह जाता है उसको यदि जला देते हैं नहीं तो उससे किसी लायक का नहीं उसके बाद वो दूसरा फसल लायक भी नहीं रह जाता है। अब क्या है जो ये चीनी मिल जो एथेनॉल जो प्लांट आ रही है वो जो आपका जड़ लेता है जो कितने जो गन्ना काटने के बाद बाकी चीज़ है मोटा मोटा 500 से लेकर 1000 रुपया प्रति क्विंटल को देने के तैयार है। अब मान लीजिए किसान है मान लीजिए अंतिम फसली में तीसरा फसली में ये दूसरा फसली में अब फसल काटता है उसके साथ साथ वो कंपनी स्वयं आ करके जड़ निकाल करके ले जाता है वो भी एग्रीमेंट में जो कितने जो आपका जो गन्ना का फसल है फसल तो आप किसी भी किसान को ले जाएगा उसके बाद बाकी तो जल ले जाता है उसका प्रति क्विंटल 500 रुपया से 1000 रुपया का खुला दे किए उनने उतने का किसान को देने के लिए। उसके बदलाव में क्या करता है एक एथेनॉल प्लांट लगाता है। एथेनॉल क्या चीज़ है मान लीजिए आपको डीजल पेट्रोल होता है उसके साथ साथ जो ये गन्ना से जो रस निकलता है उस पर एक अल्कोहल जैसे एक पदार्थ बनाते हैं उसको पेट्रोल डीजल में आराम से मिला सकते हैं, उससे क्या है जो वाहन से प्रदूषण निकलता है वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। अब भारत में इसका प्रचार बहुत धीरे मतलब कहीं कहीं तो बल्कि महाराष्ट्र में नासिक में चालू हो गया है कहीं दक्षिण भारत में अच्छा प्रचलन में है, अब तो उत्तर भारत में फिलहाल ये पहला प्लांट एक तरफ से इससे क्या है जो बाहर का जो वाहन का प्रदूषण है उसका मात्रा भी काफ़ी संख्या में कम हो जाता है और डीजल पेट्रोल का दाम भी घट जाता है। मान लीजिए आज तो करीब 80 रुपया पर लीटर पेट्रोल चल रहा है, अब एथेनॉल मिक्स करने के बाद उसका दाम तो 70 रुपया में हो जाता है। मान लीजिए किसान का भी फायदा है वो जनता का भी फायदा है, बाहर जो उसके बाहर जो निकलता है धुआं वो भी कम हो जाता है उससे नुकसान भी नहीं होता, मतलब मोटा मोटा देखेंगे आगे वाले पीढ़ी के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको जो प्लांट के लिए 900 करोड़ रुपया पॉलिसी में मंजूर करा चुके हैं, अब हम लोग आज प्रस्ताव करा करके भेजेंगे उसके बाद राज्य सरकार अपने कैबिनेट में पास करेंगे ताकि हम केवल लीज पे दे रहे हैं तो अभी तो हम लोग के पास ही रहेगा चीनी मिल के पास ही रहेगा केवल लीज पे वो जाएगा वो कैबिनेट अप्रूवल के बाद फिर वहाँ से मंजूर होकर के 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कितने कंपनियाँ निवेश करने के लिए जो आ रहे हैं उसको स्वागत करते हुए लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं उसमें भी ये योजना हम लोग शामिल कर रहे हैं।
लेकिन हम लोग का मकसद यही है जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, किसानों को फायदा जल्दी से लगभग 50 एकड़ हो और असर वो नीचे का नियमानुसार निर्धारण करते हुए 20 वर्ष की लीज पर पूरे लाख का पोषण भूमि को उपलब्ध कराने एक प्रस्ताव अपनी सरकार को पारित करना चाहता है। बाकी चीनी मिल का प्रारंभ करने के लिए कल एमडी साहब से मेरा बात हुई है जी। तो ये जो कितने पुराने मशीन है उसको दूसरे जगह शिफ्ट करा देंगे, इसका बिल्कुल आधुनिक प्लांट के रूप से ये रहेगा। दोबारा बताइए पुराने मशीन से किसी इच्छा है कि महावीर प्रसाद जी थोड़ा सा हम लोगों को ये भ्रम जरूर हो गया कि कहीं ऐसा तो न हो कि हम लोगों ने इसकी स्थापना की और हम लोग चलेगा तब आपका चलता है, तब आप देंगे बाई प्रोडक्ट उससे चलता है तो ठीक है, चीनी मिल का तो जा ही नहीं है, हम दे रहे हैं ठीक है, अभी हम लोग ये नहीं समझ पा रहे आज ये कि नहीं हमारा आश्रित वर्ग था कृष्णा प्रभु जैसे ये सब का पहले शायद याद होगा आपको पहले तक माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, गन्ना मंत्री जी भी आए देखे थे, उसके बाद इसके पॉलिसी बारे में भी हम मुख्यमंत्री से हम चर्चा किए थे, वो भी तो लगे हुए हैं हो गए, इसलिए एम डी साहब से कल बात हुई तो कह रहे थे हम डिसमेंटल भी एक सप्ताह 10 दिन में चालू कर देंगे आदेश जारी कर।